हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वानी क्लासेस। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे एचपी टेट मेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में, जिसमें हम इसकी बायोलॉजी सेक्शन यानी कि जिसमें जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों होंगी उसके 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये एग्ज़ाम हुआ था जून 2020 का है, बट कोविड की वजह से ये जून 2020 का एग्ज़ाम हुआ था 27 अगस्त 2020 को। ओके, सो उस क्वेश्चन पेपर की हम बायोलॉजी सेक्शन इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और गाइस, हमने एचपी टेट की सीरीज़ शुरू की है, उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको चैनल में मिल जाएगी, आपको वहाँ से उन वीडियोज़ को भी देख रहे हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके आपके एचपी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन था इस क्वेश्चन पेपर में कि व्हाट इज़ पाइनस, पाइनस क्या है। सो क्या पाइनस ट्री है, श्रब है, हर्ब है या फिर नन ऑफ दिस। सो जो पाइनस होता है वो एक ट्री है, ओके, जिसको हम हिंदी में कहते हैं चीड़ का पेड़, ठीक है। और ये आते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंडर, जो साइकस और पाइनस होते हैं वो जिम्नोस्पर्म्स के अंडर आते हैं, ओके। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड, द डैमेज्ड ओजोन लेयर इज सिचुएटेड इन, जो ओजोन लेयर है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, ओके, किस स्फीयर में वो प्रेजेंट है, आयनोस्फीयर, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या फिर ट्रोपोस्फीयर, ओके। सो जो ओजोन लेयर है वो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर जो है, उसकी फर्स्ट लेयर कौन सी है। सो फर्स्ट लेयर है हमारी ट्रोपोस्फीयर, इससे भी पहले एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको इस तरह से भी इसको लर्न करना है, ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, जो इकोसिस्टम वर्ड था उसको किसने इंट्रोड्यूस किया था। ऑप्शन है हमारे ओडम, बी ए जी टेंसले, सी स्टैनली या फिर डी महेश्वरी, ओके। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए जी टेंसले, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, द प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन विच फॉर्म, जो प्लांट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं उसको किस फॉर्म में वो एब्जॉर्ब करते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं कि करके, ए है हमारा नाइट्रेट, बी नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन फोस्फेट या फिर डी ऑल ऑफ द अब। सो प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स, ओके, NO3 नेगेटिव, एंड ये अमोनियम की फॉर्म में भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अमोनियम का यहाँ पे फॉर्मूला होता है NH4 पॉजिटिव, ओके। क्वेश्चन नंबर फाइव, वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच फॉर डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट, इनमें से कोई एक जो है वो करेक्टली मैच किया गया है उसके डिजीज और उसके कॉजेटिव एजेंट के साथ, ओके, तो हमने उसको ढूंढना है, ओके। सो ऑप्शन ए हमारा एड्स बेसिलस, क्या एड्स बेसिलस से होता है, नो, द एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। बी है हमारा मलेरिया ट्रिपैनोसोमा, नो, मलेरिया होता है किससे, प्लाज्मोडियम से, ओके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया कॉज करता है। सी है टाइफॉइड सेल्मोनेला, सो या टाइफॉइड जो होता है वो होता है किसके, सेल्मोनेला टाइफी से, ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, गोनोरिया वायरस, तो नहीं, गोनोरिया वायरस से नहीं होता है, गोनोरिया होता है एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है नाइजीरिया गोनरी बैक्टीरियम, ओके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, कि जो टाइफॉइड होता है वो होता है सेल्मोनेला टाइफी से। नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स, If a man from sea coast goes to high mountain peak, then his, अगर कोई भी मनुष्य जो है वो समुद्र के किनारे से ऊंचे पर्वत पर जाता है तो क्या होगा, उसकी जो ब्रीदिंग होगी क्या वो इंक्रीज होगी, ब्रीदिंग डिक्रीज होगी, या फिर जो ब्रीदिंग होगी वो कांस्टेंट रहेगी यानी कि सेम रहेगी, या फिर ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी, ओके। सो जो ब्रीदिंग होगी वो इट विल इंक्रीज, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर एज, जो कार्बोहाइड्रेट्स का ट्रांसलोकेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ओके, और जो ट्रांसलोकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो होता है फ्लोएम में, ओके। ऑप्शन है हमारे ग्लूकोज, माल्टोज, गैलेक्टोज एंड सुक्रोज, सो ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकर्स एज सुक्रोज, ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन लेंथ ऑफ ए बैंड, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तो ए बैंड जो होता है उसकी लेंथ क्या होती है? दो तरह के बैंड होते हैं, एक ए बैंड होता है और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है आई बैंड. ओके सो जो ए बैंड है क्या उसकी लेंथ स्मॉल हो जाती है, क्या वो लार्जर हो जाती है, या फिर कांस्टेंट रहती है, या फिर बोथ ए एंड बी? ओके सो जो ए बैंड होता है उसकी लेंथ अनचेंज होती है, वो उतनी ही रहती है जितनी उसकी लेंथ है वो उतनी ही रहती है, जबकि जो आई बैंड होते हैं वो उससे उसके ओवरलैप करते हैं. ठीक है सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 9, विच पेयर्स आर द फ्लोटिंग रिब्स इन ह्यूमन बॉडी. ओके फ्लोटिंग रिब्स कौन से पेयर्स होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी रिब्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, तो वो होते हैं हमारे 12 पेयर्स, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में. ओके सो उसमें से फ्लोटिंग रिब्स कितने पेयर्स होते हैं वो क्वेश्चन है हमारा. ऑप्शन है हमारे ए 8th, 9th, 10th, या फिर बी 1st to 7th, या फिर सी 11th and 12th, या फिर डी ऑल द 12 पेयर्स. तो जितने भी 12 पेयर्स होते हैं वो सभी फ्लोटिंग रिब्स नहीं होती हैं, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं वो होते हैं हमारे 11th and 12th पेयर. ओके जो लास्ट वाले 2 पेयर्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होते हैं, अदर जो 10 पेयर्स होते हैं वो फ्लोटिंग रिब्स नहीं होते हैं, वो अटैच होते हैं. ओके सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 10, प्रीनेटल डिफेक्ट्स इन द फीटस कैन बी डिटेक्टेड बाय. जैसे जन्म से पूर्व कोई भी डिफेक्ट है यानी कि कोई भी डिजीज वगैरह है उसका पता हम कैसे लगाते हैं. ओके ऑप्शन है हमारे ए लेप्रोस्कोपी, बी एमनियोसेंटेसिस, सी जेनेटिक इंजीनियरिंग, या फिर डी MRI. MRI की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, वो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. ओके सो जो प्रीनेटल डिफेक्ट होते हैं फीटस में वो डिटेक्ट किए जाते हैं एमनियोसेंटेसिस टेक्निक से. मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे बात की है कि जो एमनियोसेंटेसिस है उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं एमनियोसेंटेसिस से. ठीक है तो एमनियोसेंटेसिस का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी बच्चे में कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डिफेक्ट है, उसका हम पता लगा पाएँ. ओके बट ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसको बैन किया गया है 1994 में, क्योंकि इसका मिसयूज़ किया जाने लगा, इसका यूज़ किया जाने लगा बच्चे के जेंडर का पता लगाने के लिए, और अगर फीमेल चाइल्ड हुई तो एबॉर्शन भी करवाएंगे, इसलिए इस टेक्निक को बैन किया गया है. सिर्फ डॉक्टर यूज़ करते हैं इसका ताकि कोई भी डिफेक्ट है तो उसका पता लगाया जा सके. ओके सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11, पेब्राइन इज़ अ डिजीज ऑफ. पेब्राइन किसकी डिजीज है इनमें से? ऑप्शन है कैटल, बी सिल्कवाम, सी हन, या फिर डी फिश. सो पेब्राइन इज अ डिजीज ऑफ सिल्कवाम्स. ओके और जो पेब्राइन डिजीज है ये होती है किससे? एक प्रोटोजोआ से. ओके ये प्रोटोजोआ एक डिजीज कोज करता है पेब्राइन, और उस प्रोटोजोआ का क्या नाम है वो भी पूछा जा सकता है. उसका नाम है नोजेमा बॉम्बिसिस. ओके सो नोजेमा बॉम्बिस प्रोटोजोआ कोज पेब्राइन डिजीज ऑफ सिल्कवर्म्स. ओके क्वेश्चन नंबर 12, फोटोकेमिकल स्मग डज नॉट कंटेन. जो फोटोकेमिकल स्मग होती है वो उसमें उनमें से क्या नहीं प्रेजेंट होता है, डजेंट कंटेन, ये भी देखना है आपको कि क्वेश्चन में क्या लिखा गया है. ओके ऑप्शन है हमारे PAN, बी ओजोन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या फिर डी कार्बन डाइऑक्साइड. सो फोटोकेमिकल स्मग डज नॉट कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द फंक्शन ऑफ कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय विच पार्ट ऑफ ब्रेन. यानी कि दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो हमारे दिल की धड़कन को संचालित करता है, उसको कंट्रोल करता है. ओके ऑप्शन है हमारे सेरिब्रम, पोन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा, या फिर डी हाइपोथैलेमस. ओके सो द मेडुला ऑब्लोंगेटा जो रीजन है वो कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट को, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14, एन एरिया ऑफ द रेटिना विच डजंट हैव रोड एंड कॉर्न सेल्स. यानी कि हमारा जो रेटिना होता है उसका कौन सा एरिया जहाँ पे ना ही रोड सेल्स हैं ना ही कॉर्न सेल्स हैं. ओके उस एरिया को क्या कहते हैं? येलो स्पॉट, रेड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, या फिर ब्लू स्पॉट. सो उस एरिया को कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 15, पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ.
जो पोमोलॉजी है वो किसकी स्टडी है, फ्रूट्स की है, फ्लावर्स की है, रूट्स की है या फिर लीव्स की है? सो पोमोलॉजी स्टडी है फ्रूट्स की. ओके, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. स्टडीज़ भी आपसे पूछ ली जाती हैं बहुत बार. ओके, क्वेश्चन नंबर 16, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी. प्लांट फिजियोलॉजी के फादर किन्हें कहा जाता है? स्टीफन हेल्स, रॉबर्ट कोच, अरिस्टोटल या फिर डी ग्रेगर जॉन मेंडल. सो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है स्टीफन हेल्स को. सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट ग्रोज इन लोअर लाइट इंटेंसिटीज आर कॉल्ड. उस तरह के प्लांट्स जो लाइट की कम इंटेंसिटी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ओके, ऑप्शंस देख लेते हैं. ए हेलियोफाइट्स, बी लॉन्ग डे प्लांट्स, सी शेड टॉलरेंट प्लांट्स या फिर डी डे न्यूट्रल प्लांट्स. ओके, सो ऑप्शंस को एक एक करके समझ लेते हैं. सो जो हेलियोफाइट्स होते हैं वो होते हैं सन लविंग प्लांट. सन लविंग यानी कि उन वो हाई लाइट इंटेंसिटीज़ में उगते हैं. सो ये ऑप्शन नहीं होगा. लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं यानी कि जिनको ज़्यादा दिन चाहिए होते हैं यानी कि उनको सनलाइट ज़्यादा चाहिए होती है उनकी फ्लावरिंग के लिए. सो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है. ऑप्शन डी है डे न्यूट्रल प्लांट्स यानी कि उस तरह के प्लांट्स उनको लाइट भी उतनी चाहिए, उनको डार्क भी उतनी चाहिए उनकी फ्लावरिंग के लिए. तो ये भी क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है. तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि शेड टॉलरेंट प्लांट होते हैं जो प्लांट लोअर लाइट इंटेंसिटीज़ में ग्रो करते हैं और इस तरह के प्लांट्स को कहा जाता है शायोफाइट्स. ओके, तो कई बार आपके ऑप्शन में शायोफाइट्स भी होगा. अगर शेड टॉलरेंट नहीं हुआ तो आपको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है. जो शायोफाइट्स होते हैं वो होते हैं शेड टॉलरेंट प्लांट्स और हेलियोफाइट्स होते हैं सन लविंग प्लांट्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फ्लोइंग आर लार्जेस्ट डीकम्पोजर्स ऑफ फॉरेस्ट. इनमें से कौन सा जंगल में सबसे बड़ा जैव अपघटक है? ओके, यानी कि जो डिकम्पोज करता है. ऑप्शंस हैं लायन, मोल्ड्स एंड मशरूम्स, सी ईस्ट या फिर डी नन ऑफ द अबव. सो जो मोल्ड्स और मशरूम्स होते हैं वो सबसे बड़े डिकम्पोजर्स हैं हमारे जंगलों में. ओके, सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, विच पार्ट ऑफ पॉपी प्लांट यील्ड ओपियम. पॉपी प्लांट का कौन सा जो पार्ट है उसमें से ओपियम यील्ड होता है? ऑप्शन है हमारे लेटेक्स फ्रॉम अनराइप कैप्सूल्स, बी ड्राइड रूट्स, सी ड्राइड लीव्स या फिर डी ड्राइड सीड्स. ओके, सो जो लेटेक्स होता है अनराइप कैप्सूल का वहां से हम ओपियम को यील्ड करते हैं पॉपी प्लांट्स. क्वेश्चन नंबर 20, द लाइन विच लाइज बिटवीन 55 degrees टू 60 degrees लेटीट्यूड कैनोट ग्रो ट्रीज बियॉन्ड इट इज़ कॉल्ड. यानी कि वो लाइन जो 55 degrees से 60 degrees लेटीट्यूड में होती है और उसके ऊपर ट्रीज ग्रो नहीं करते हैं उस लाइन को क्या कहा जाता है? क्या वो ट्राई है, इकोटोन है, टिम्बर लाइन है या फिर वो लाइन है? तो इस लाइन को कहा जाता है टिम्बर लाइन. ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 21, द 10% लॉ इज रिलेटेड टू. जो 10% लॉ है इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं इसमें से. ठीक है, तो ये जो 10% लॉ है ये है क्या? कि ये मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेट करता है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स से रिलेट करता है, फिर एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम लोअर ट्रॉफिक लेवल टू हायर ट्रॉफिकल लेवल या फिर एनर्जी कंजप्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट्स. ओके, सो बेसिकली जो 10% लॉ है वो ये कहता है कि जो एनर्जी ट्रांसफर होती है ना लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक वो 10% होती है. ठीक है, तो यही है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22, टैक्सोल दैट इज यूज्ड एज एन एंटी कैंसर ड्रग. जो टैक्सोल है वो एक एंटी कैंसर ड्रग की तरह उसका यूज़ किया जाता है और वो किसी ट्री की बार्क से ऑप्टेन किया जाता है यानी कि किसी भी पेड़ की छाल से ऑप्टेन किया जाता है और उस ट्री का क्या नाम है ये हमारा क्वेश्चन है. ऑप्शन है हमारे ए पेपर सोमनीफरम, बी क्विनीन, सी टी बेकेटा या फिर डी पेनिसिलियम. ओके, सो जो टैक्सोल ड्रग है उसको ऑप्टेन किया जाता है टी बेकेटा से. टी और जो टी बेकेटा है उसकी फुल फॉर्म है टैक्सोल बेकेटा. ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी.
इनमें से किस कंट्री की जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, वो सबसे ज़्यादा है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, रशिया या फिर इंडिया? सो ब्राज़ील हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, द ऑर्गेनाइजेशन विच पब्लिशेस द रेड लिस्ट ऑफ स्पीसीज, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड डाटा लिस्ट को पब्लिश की जाती है? और जो रेड डाटा बुक होती है उसमें क्या होता है, उसमें जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट्स की हैं चाहे वो एनिमल्स की हैं, उनके नाम उसमें होते हैं। ओके, सो उस लिस्ट को कौन पब्लिश करता है? IUCN, ICFRE, UNEP या फिर WWF? और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं IUCN और WWF के बीच। ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज़ IUCN, और IUCN की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। ओके, तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है, तो आपको वो भी याद होनी चाहिए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, वेलमन अ स्पॉन्जी टिश्यू ऑन रूट्स इज करेक्टरिस्टिक ऑफ विच रूट्स, एक वेलमन होता है वो स्पॉन्जी टिश्यू होता है, वो रूट्स में होता है, और वो किस तरह के रूट्स में होता है? ओके, ऑप्शन हैं फ्लोटिंग रूट्स, असिमिलेटरी रूट्स, पैरासिटिक रूट्स या फिर एपिफिटिक रूट्स। सो ये प्रेजेंट होता है एपिफिटिक रूट्स में, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, फिलोक्लैड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिलोक्लैड, क्लैडोड या फिलोड से। ओके, सो जो फिलोक्लैड है वो किसकी मॉडिफिकेशन है? क्या वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, पिट्यूल की है, रूट की है या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? ओके, सो फिलोक्लैड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, सो फिलोक्लैड मॉडिफिकेशन है किसकी? स्टेम की। ओके, और एक फिलोड होता है वो मॉडिफिकेशन होता है पीटियोल की, में कंफ्यूज हो जाते हैं फिलोक्लैड और फिलोड में। ओके, सो फिलोक्लैड स्टेम, फिलोड इज पीटियोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, आपको इनमें से करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है, प्लांट्स के नाम दिए गए हैं और उसके सामने उनकी फैमिलीज हैं कि कौन सा प्लांट है वो उसकी फैमिली से बिलोंग करता है, जो यहाँ पे सही दिया गया है। ओके, ऑप्शन है हमारे ए कोल्चिकम ऑटोमिनेल, फैमिली सोलनेसी, पिटूनिया सोलनेसी, ग्लोरियोजा फेबेसी, ट्राइफोलियम लिलिएसी। सो इसमें से सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जो पिटूनिया प्लांट है वो बिलोंग करता है फैमिली सोलनेसी से। ओके, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शंस इन, प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों खाने योग्य होते हैं इनमें से किस फ्रूट में? ओके, ऑप्शन है हमारे एप्पल, बनाना, टोमेटो या फिर पोटैटो। सो प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ एडिबल पोर्शंस इन टोमेटो। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, ओस्मोफोर्स सिक्रीट, ओस्मोफोर्स क्या सिक्रीट करते हैं? ओके, ऑप्शंस हैं हमारे सॉल्ट्स, फूड, एसेंशियल ऑयल या फिर डी नन ऑफ दीज। सो ओस्मोफोर्स सिक्रीट एसेंशियल ऑयल, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 30, ओस्मोटिक प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज, जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है यानी कि OP होता है प्योर वाटर का, वो कितना होता है? ओके, 0, 1, लेस देन 0 या फिर 100। सो OP ऑफ प्योर वाटर इज 0, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? ऑप्शंस हैं हमारे, क्या ये वाटर है, क्या सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल न्यूट्रिएंट्स या फिर सी ग्रीन हाउस या फिर डी लिक्विड। ओके, सो जो हाइड्रोपोनिक्स होता है उसको हम कहते हैं सोइल लेस कल्चर, यानी कि इसमें सॉइल की नीड नहीं होती है, जो भी सॉल्यूशन होता है उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी किसी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। हाइड्रोपोनिक्स से बहुत बार क्वेश्चन आता है तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन सिंथेसाइजर, दो तरह की फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, एक साइक्लिक होती है एक नॉन साइक्लिक होती है, और यहाँ पर बात की गई है किसकी, साइक्लिक की। ठीक है, तो उसमें क्या सिंथेसाइज होता है,
क्या सिर्फ ATPs होते हैं, ATP and NADPH दोनों होते हैं, या फिर ATP and FADH2 होते हैं, या फिर none of the above. ओके, सो जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है उसमें सिर्फ ATP सिंथेसाइज होते हैं, जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नॉन साइक्लिक का, ठीक है, तो उसमें ATP और NADPH दोनों होते हैं, तब आप उसमें ऑप्शन बी को टिक करोगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 33, जीनस रिप्रेजेंट्स, जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है. ऑप्शन है हमारे ए एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल, बी अ कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, या फिर डी नन ऑफ दिस. सो जीनस रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. क्वेश्चन नंबर 34, स्मॉलेस्ट एनिमल वायरसेस, सबसे छोटा एनिमल वायरस कौन सा है. फुट एंड माउथ वायरस, पोक्स वायरस, टोबैको मोजैक सेटेलाइट, या फिर सिट्रस ट्राइस्टेजा वायरस. ओके, सो सबसे छोटा एनिमल वायरस है फुट एंड माउथ वायरस, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज कॉमन बिटवीन पैरट, प्लेटिपस एंड कंगारू. पैरट, प्लेटिपस और कंगारू में क्या कॉमन है. ए है ओविपैरिटी, बी होमियोथर्मी, सी टूथलेस जॉ, या फिर डी फंक्शनल पोस्ट एनल टेल. तो जो पैरट, प्लेटिपस और कंगारू होते हैं उनमें जो होमियोथर्मी है वो कॉमन है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर. 36, वीनम ऑफ कोबरा अटैक्स, जो कोबरा का जहर होता है, जो वेनम होता है, वो किस सिस्टम को अटैक करता है. कि वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, या फिर डी सर्कुलेटरी सिस्टम है. सो जो वेनम होता है कोबरा को, वो अटैक करता है हमारे नर्वस सिस्टम को, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 37, अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ कवरिंग अ मसल फाइबर इज कॉल्ड. मसल फाइबर को कवर करने वाले टिश्यू शीथ को क्या कहते हैं. एंडोमाइशियम, पेरीमाइशियम, एपीमाइशियम, या फिर डी नन ऑफ दीज. तो उसको कहा जाता है एंडोमाइशियम, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 38, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया आर, नेफ्रीडिया का जंगल किन्हें कहा जाता है. ए सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, या फिर फ्रेंजल नेफ्रीडिया, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव. सो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रीडिया आर इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 39, हु प्रपोज्ड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट क्रोमोजोम नंबर. किसने लॉ दिया था लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट क्रोमोजोम नंबर. आउटडट, स्ट्रासबर्गर, फ्लमिंग, रेडोल्फ विर्चो. ओके, सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, दैट इज स्ट्रासबर्गर. क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए. आपसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फॉर्मूलाज पूछ लिए जाते हैं. ओके, सो जो क्लोरोफिल ए है उसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg. ये किसका है, क्लोरोफिल ए का, ठीक है, जो ऑप्शन डी है वो. और क्लोरोफिल बी का फॉर्मूला है जो फर्स्ट ऑप्शन है. ओके, क्लोरोफिल बी का C55H70O6N4Mg. तो कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों आपको लर्न करने हैं. क्लोरोफिल ए का भी पूछ लिया जा सकता है और क्लोरोफिल बी का भी पूछ लिया जा सकता है. क्लोरोफिल ए आए तो ऑप्शन डी, और क्लोरोफिल बी आया तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 40, स्ट्रोंगेस्ट अमाइलेज इज, सबसे स्ट्रोंगेस्ट अमाइलेज कौन सा है. सलाइवरी अमाइलेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, या फिर डी पेनक्रियाटिक अमाइलेज. जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है वो सबसे स्ट्रोंगेस्ट है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42, डेक्स्ट्रोकार्डिया मीन्स, डेक्स्ट्रोकार्डिया का क्या अर्थ होता है. ऑप्शन ए हार्ट प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ मैन, एनलार्जमेंट ऑफ हर्ट, इनएडिकेट ब्लड फ्लो टू अ पार्ट ऑफ हर्ट, या फिर डी इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिकार्डियम. सो डेक्स्ट्रोकार्डिया का मतलब होता है कि जब हर्ट राइट साइड में प्रेजेंट होता है किसी भी ह्यूमन के. ऐसे यूजली हर्ट होता है हमारे लेफ्ट साइड पे, बट जब राइट साइड पे होता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है डेक्स्ट्रोकार्डिया. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. किडनी रिसीव्स अबाउट डैश ऑफ ब्लड पर मिनट. किडनी एक मिनट में कितना ब्लड रिसीव करती है. ओके, ऑप्शन है हमारे 800 ml,
बी 1500 ml, सी 900 या फिर डी 1200 ml ऑफ ब्लड. ओके, सो एक मिनट में किडनी रिसीव करती है 1200 ml ऑफ ब्लड. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 44, नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल. बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ह्यूमन स्कल में कितनी बोन्स होती हैं. सो ऑप्शंस है हमारे 26, 28, 60 या फिर 29. सो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो ह्यूमन स्कल्स में बोन होती हैं वो होती है हमारी 29. ओके, सो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 45, पेक्टिन अ कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द आई ऑफ. एक पैक्टन होता है जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, वो किसकी आई में प्रेजेंट होता है. कि वो फिश की आईज होती हैं, फ्रॉग, बर्ड या फिर डी मैमल्स. ओके, सो जो पैक्टन कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है बर्ड्स की आईज में. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 46, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी. कौन सा हार्मोन है जो बच्चे की बर्थ के बाद मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. ओके, ऑप्शंस है हमारे प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन या फिर डी एस्ट्रोजन. सो उस हार्मोन को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर 47, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय. जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट करती हैं. ऑप्शन है हमारे किलिंग द ओवम, ब्लॉकिंग फर्टिलाइजेशन, प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन या फिर डी प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन. ओके, सो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिवेंट करती है प्रेगनेंसी बाय प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 48, द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इनसाइड द ह्यूमन बॉडी इज कैरिड आउट बाय. ऑप्शंस है हमारे टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स या फिर डी एरिथ्रोसाइट्स. सो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, दैट इज टी लिम्फोसाइट्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, अ वी ए एम दैट इज वैम कंटेंट. अ वी ए एम की फुल फॉर्म है वेस्क्यूलर अरवेस्कुलर माइकोराइजा. ओके, सो जो माइकोराइजा है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच, फंगी के बीच, जो रूट्स होती हैं हायर प्लांट्स की उनके बीच. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज सिम्बायोटिक फंगी. क्वेश्चन नंबर 50, क्रोकोडाइल एंड बर्ड एसोसिएशन इज अ टाइप ऑफ. जो क्रोकोडाइल और बर्ड की एसोसिएशन होती है वो किस तरह की एक एसोसिएशन है. ऑप्शन है हमारे ए सिम्बायोसिस, बी प्रेडेशन, सी पैरासिटिज्म या फिर डी प्रोटोकॉपरेशन. सो ये है प्रोटोकॉपरेशन, जिसमें दोनों का बेनिफिट होता है, कोई भी जो स्पीशीज है उसको हार्म नहीं होता है. सो इट इज़ प्लस प्लस, दैट इज प्रोटोकॉपरेशन टाइप ऑफ एसोसिएशन. ओके, क्वेश्चन नंबर 51, द ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स अब्सॉर्ब विच ऑफ द फ्लोइंग इन द विजुअल स्पेक्ट्रम. जो ग्रीन लीव्स होती हैं प्लांट्स की वो किस लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं, किस तरह की लाइट को अब्सॉर्ब करती हैं. ऑप्शन है हमारे ग्रीन लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट, येलो एंड ब्लू लाइट या फिर डी होल विजुअल स्पेक्ट्रम. तो ये अब्सॉर्ब करती हैं ब्लू एंड रेड लाइट को. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द ईस्ट कैन बी इन अ ड्राई स्टेट. ईस्ट को कितने सालों तक हम ड्राई स्टेट में रख सकते हैं. ऑप्शंस है हमारे 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1.5 ईयर्स या फिर डी 4 ईयर्स. तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, दैट इज 4 ईयर्स. ओके, क्वेश्चन नंबर 53, नेम द हार्मोन दैट कंट्रोल्स द मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग. कौन सा हार्मोन है जो फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस को कंट्रोल करता है. ओके, ऑप्शंस है हमारी एड्रेनलिन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या फिर डी ग्रोथ हार्मोन. तो उस हार्मोन का नाम है थायरोक्सिन हार्मोन, जो कंट्रोल करता है मेटामॉर्फोसिस को. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बर्ड फ्लू वायरस विच इज ऑल्सो नोन एज एवियन फ्लू वायरस. जो एवियन फ्लू वायरस है वो कौन सा वायरस है, H5N1, H1N5, H1N1 या फिर N1N5. तो उसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन है, दैट इज H5N1 जो है वो है एवियन फ्लू वायरस. क्वेश्चन नंबर 55, मुर्रा इज अ ब्रीड ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग. जो मुर्रा ब्रीड है वो किसकी ब्रीड है, काओ, बफेलो, गोट या फिर शीप. सो जो मुर्रा है वो ब्रीड है किसकी, बफेलो की. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 56, बाय वेट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी.
ह्यूमन बॉडी में कितने परसेंटेज ब्लड होता है। ऑप्शन है हमारे 10%, 17%, 7% या फिर 16%। तो ये होता है हमारा 7%। ओके, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 57, विच ऑर्गन इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसीज को ग्रेवयार्ड यानी कि शमशान किसे कहा जाता है, किस ऑर्गन को कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे लिवर, स्टमक, थाइमस या फिर स्प्लीन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत बार पूछा भी गया है। तो ग्रेवयार्ड आरबीसीज का कहा जाता है, स्प्लीन को यानी कि प्लीहा को। और आरबीसीज कहाँ फॉर्म होती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरबीसीज आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो। ओके, तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन 58, विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे मोस्ट एक्टिव ऑर्गन कौन सी होती है, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी या फिर डी हार्ट। सो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव ऑर्गन इज द लिवर। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी पूछा गया है, आपको याद रखना है। ये नहीं पूछा है कि एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, हमारी दो किडनीज होती हैं ह्यूमन बीइंग्स में। तो जो एक किडनी है उसमें कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, एक में होते हैं हमारे अप्रोक्सीमेटली 10 लैक्स। ओके, सो दो किडनी में हो गए हमारे 20 लैक्स नेफ्रॉन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक किडनी में 10 लैक्स होते हैं तो वो 10 लैक को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पर हमारा राइट आंसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 60, द बैक्टीरिया फॉर जैपनीज फीवर अफेक्ट विच ऑर्गन ऑफ बॉडी। जो बैक्टीरिया है जैपनीज फीवर का, वो किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है, ब्रेन, लिवर, स्टमक या फिर आइज। सो इट अफेक्ट्स द ब्रेन। ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। सो गाइज, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने डिस्कस की 60 क्वेश्चन। आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। और अगर आपको आगे भी इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे उसको भी कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊँ। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।